सांसद बस्तर, संसदीय सचिव, विधायक ने मारेंगा बाईपास सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। 33 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बड़े मारेंगा से अड़ावाल जगदलपुर बाईपास मार्ग पे 19.3 किलोमीटर सड़क मार्ग का चौड़ीकरण और उन्नयन होगा। यहां 7 मीटर की सड़क होगी और 12 मीटर की 10 मीटर का डामरीकरण और 1-1 मीटर दोनों ओर होगा। सांसद बस्तर दीपक बेज, विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं विधायक चित्रकोट राजमन बेजान ने मारेंगा बाईपास सड़क पर 33.14 करोड़ रुपए की लागत से 19.3 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण उन्नयन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद बस्तर दीपक बेज ने कहा कि हमारी सरकार में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बहुत जल्द ही जगदलपुर से धमतरी तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा हुई है, पर भाजपा का गुलदस्ता गैंग को ये पसंद नहीं आ रहा। जो लोग अपने 15 साल के शासन में सड़कों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाले लोग झूठी वाईवाई लूटने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सड़क निर्माण कार्य के लिए जो राशि स्वीकृत की है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा शासन में भ्रष्टाचार का चारागाह बनी सड़क का अब वास्तव में जगदलपुर के लिए उपयोग होगा। विधायक चित्रकोट राजमन बेजाम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर सदस्य भवन सनिर्माण एवं कर्मकार कल्याण मंडल, जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य, जनपद अध्यक्ष अनिता पयाम, जनपद अध्यक्ष तोकाराम, श्रीमती मालती मौर्य, सरपंच मारेंगा जयमन मौर्य, फूलों कश्यप, जनपद उपाध्यक्ष कामनी ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे।